हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, पुणे, नागपुर, यह हमारे हॉस्पिटल से वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम मनोरोगों तथा व्यसनी लोगों को, मतलब शराबी जो लोग हैं वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि लोगों को बदलने की इच्छा तो है मगर लोग बदलते नहीं हैं। वो क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक हमको पहुँचाने का कार्यक्रम ही मालूम नहीं है। कोई भी सजेशन जो है, कोई भी सूचना जो है, जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाती नहीं है तब तक मेरे में कुछ बदल होने वाला है नहीं। मैंने कितना भी कॉन्शियस माइंड से कुछ भी ठहरा लिया, फिर वो ठहराना ऐसा हो कि सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूँगा, सुबह उठ के मैं पढ़ाई करूँगा, या कल से मीठा खाना बंद करूँगा, या कल से डाइटिंग करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, वजन कम करूँगा, सिगरेट छोड़ूंगा, शराब छोड़ूंगा, जो भी आपने ठहराया, पढ़ाई करूँगा, जो भी आपने ठहराया है, हम ठहराते तो जरूर है मगर कल परसों रात गई बात गई, ऐसा होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसकी भूख नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में डिटरमाइंड नहीं किया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुँचा नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ने वो निश्चित नहीं किया हुआ है। अभी हमारा काम क्या है कि वो कॉन्शियस माइंड जो उसको लगता है कि आई वांट दिस, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वही चाहिए, कॉन्शियस माइंड को कोई चाहत से कुछ होने वाला है नहीं। जो भी चाहत कॉन्शियस माइंड की है, नहीं मुझे यूरोप की टूर करना है, नहीं मुझे अमेरिका देखना है, नहीं मुझे बड़ी गाड़ी खरीदने का है, नहीं मुझे ऐसा, वो चाहिए कॉन्शियस माइंड को। जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगा नहीं, जब तक उसका निर्णय सबकॉन्शियस माइंड लेगा नहीं, तब तक वो कुछ होने वाला है नहीं। फिर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? मैंने ज़्यादा पहले बताया कि आप सेल्फ हिप्नोसिस से या किसे हिप्नोटाइज करवा के वो सूचना सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, उसका बीजारोपण कर सकते हैं, वो वहाँ इम्प्रिंट कर सकते हैं। और सब वो हिप्नोटाइज करना, खुद को हिप्नोटाइज करना, उसको मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या करना पड़ता है कि समझिए, कॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को आपको बाजू में करने का है, आपका कॉन्शियस माइंड का जो लक्ष्य है विचलित करने का है। जब ये विचलित कर दिया तो डायरेक्टली सूचना है सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप एक चेयर पे बैठ रहे, रिलैक्स होकर बैठ रहे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, फोन फान सब बंद है, टीवी बंद है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई इंटरप्शंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है, एकदम साइलेंट प्लेस है। इसी चेयर पे बैठे हुए आपको घर का कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाला है नहीं है, और फिर शांति से आप आराम से बैठे और पूरा बदन आपने एक 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 बदन का हिस्से का नाम लेके आपने पूरा बदन को रिलैक्स करना है। पूरा बदन रिलैक्स होने के बाद में, कंप्लीटली रिलैक्स 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 करने का है। उसके बाद में एक से पाँच तक गिनती करते हो, एक से पाँच तक गिनती करने के बाद में आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे, ऐसी कल्पना करना है और वैसी सूचना अपने आप को देने का है। फिर कोई ऐसे सीन का इमेजिनेशन करना, बहुत आह्लादायक, बहुत ही बेस्ट सीन है, ऐसा सीन का इमेजिनेशन करना, छः से दस तक गिनती करना और हम डीप 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 सम्मोहन में जा रहे ऐसी कल्पना करना। बाद में और फिर एक आधा सीन आँखों के सामने लाना, फिर 11 से 15 गिनती करना और डीप सम्मोहन अवस्था में जा रहे ऐसी कल्पना करना। ऐसा करते ही आप धीरे 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे, और सम्मोहन अवस्था में जाने के बाद में आपने अपने आप को सूचनाएं देने की, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं दे रहा है। इसके हम वर्कशॉप्स लेते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस के, लोगों को हिप्नोटाइज करने के वर्कशॉप लेते हैं। आप अधिक जानकारी है तो हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, ताकि हम आपको हिप्नोटिज्म सेल्फ हिप्नोसिस सिखा देंगे। सेल्फ हिप्नोसिस से आपको जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में मिल जाएगा या कुछ हफ्तों में मिल जाएगा, बजाय कुछ महीने या कुछ साल। हिप्नोसिस में सूचना हम अंतर्मन को देते हैं और उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन का भी ट्रेनिंग देते हैं। तो विजुअलाइजेशन का ट्रेनिंग देना, विजुअलाइज करने के लिए लगाना, उसके पिक्चर देखना, इमेजिन करने लगाना और इधर सूचनाएँ देना, ये चालू रहता है। और उसके साथ साथ फिर हम उनको ये बोलते हैं कि भाई एक्शंस कौन सी लेंगे, आप कौन सी एक्शंस लेंगे, बिहेवियर में क्या बर्ताव लाएंगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या करेंगे। फिर उसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं और यह ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सामान्य व्यक्ति जो है, स्पोर्ट्समैन होंगे तो उनको स्पोर्ट्स में फ़ायदा होता है,
जिम्नास्टिक्स उसमें फ़ायदा होता है, पढ़ाई में फ़ायदा होता है, कोई मानसिक बीमारी है उसमें फ़ायदा होता है, जैसा टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, फोबिया है, तो सब में फ़ायदा होते रहता है। लोग काफ़ी काम उसमें कर सकते हैं हिप्नोटाइज होके, मतलब जैसे पैशनेट हो सकते कोई भी काम में, हिप्नोटाइज सूचनाएँ दे दे के काफ़ी सारी फिजिकल बीमारियाँ वो भी ठीक हो जाती है हिप्नोटाइज होके। बहुत सारे फ़ायदे हिप्नोटिज्म के, सेल्फ हिप्नोसिस के, और वो फ़ायदे लेकर आप अपने जीवन को, जीवन का परिवर्तन कर सकते, परिवर्तन ला सकते, एक नया जीवन आप जी सकते हैं। अभी तक इतना ही है, आपको अधिक जानकारी है तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं, हमारे वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, और अपना जीवन बहुत ही पावरफुल, मतलब शक्तिशाली आप आपका जीवन जी सकते हैं। आपको ये वीडियो लगा, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हिप्नोटिज्म के बारे में काफ़ी लोगों को गलत फहमियाँ हैं, तो वो गलत फहमी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्या गलत फहमी है, मगर इतना ही अभी बता सकता हूँ कि ये साइंटिफिक मेथड है, ये साइंस है हिप्नोटिज्म का। जिनको जिनको सीखने की इच्छा है जरूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।